नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेरोजगार का हित चाहते हुए विज्ञप्ति जारी कर दी है। 12 जनवरी 2024 की न्यूज़ है, यानी कल की न्यूज़ है। संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 बेरोजगारों को कब से इंतजार था, इस विज्ञप्ति का विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, डिटेल से जानकारी पूरी बात करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जस्ट टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आप फॉर्म भर सकते हो rssp.rajasthan.government.in की वेबसाइट से, या फिर rssb.rajasthan.government.in, या फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाके एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो। एसएसओ आईडी के अलावा आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर आपने नहीं करवा रखा है तो ओटीआर आप करवा लीजिए। उसके बाद नया सिस्टम जो जारी किया गया फॉर्म भरने का, आवेदन करने का, उसमें आधार कार्ड आधारित सत्यापन, यानी यदि उम्मीदवार का आधार कार्ड ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एसएसओ जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में बहुत सारी जानकारी भरनी पड़ेगी, जैसे नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि, ये सही होनी चाहिए। जो आधार कार्ड में दे रखी है उसी के अनुसार सत्य होनी चाहिए। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी आधार कार्ड भी अगर किसी बंदे का नहीं है तो उसको विभिन्न प्रकार के विवरण आप डिटेल से इसमें देख सकते हो। उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हो और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ेगा, अनिवार्य है। पंजीयन शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यानी पंजीयन शुल्क कब से जमा होगा, यानी फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से है, बात करते हैं। तो आप CSC के माध्यम से, बैंक से, डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से स्वयं भर सकते हो। 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 17 फरवरी तक चलेंगे। कुल मिला के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो 19 फरवरी से 17 फरवरी अंतिम तिथि, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही बेरोजगार जो विद्यार्थी है, जो अटेंडेंस एनिमल अटेंडेंस की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, वो समय से पहले ही आवेदन कर दे। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत है, यानी विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है। ये शॉर्ट विज्ञप्ति है और डिटेल से जानकारी आपको प्राप्त मिल जाएगी। यानी कुल मिला के आपको 10वीं पास ही इसमें मांगा है और आपको अलग से डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। 10वीं पास एनिमल अटेंडेंस की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो ऑनलाइन आवेदन आप जल्दी से जल्दी करें। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।